जब हम लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में, नेता के रूप में चुना, तो संसद के अंदर उनकी पहली प्रतिबद्धता क्या थी कि हमारी सरकार गांव गरीब किसानों के लिए समर्पित सरकार होगी। किसान भाइयों, आपके ध्यान में होगा कि आज जो कुछ नेता, जिन लोगों ने 10 वर्षों तक देश पर शासन किया, जब किसान की बात करते हैं तो हंसी आती है, क्योंकि पिछले आजादी के 68 वर्षों के अंदर 50 वर्षों तक इस देश पर एक परिवार ने शासन किया और किसान के लिए क्या चिंता की। जब देश गुलाम था, जब हमारे बीच तिलक, गोखले और गांधी थे, उनका सपना क्या था कि देश जब आजाद होगा तो आजाद भारत का जो शरीर खड़ा होगा, कृषि और किसान प्राथमिकता होगी, मस्तक के रूप में वो आगे आएगा। और इसीलिए जब देश में अंतरिम सरकार बनी आजादी मिलने के पहले, तो महात्मा गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को देश का कृषि मंत्री बनाया था। पहला कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाद में वो राष्ट्रपति बने। आजादी के बाद सरकार बनी तो सरदार पटेल किसानों के नेता थे और वह भी चाहते थे कि हिंदुस्तान के निर्माण का, आजादी के बाद ये जो लोकतांत्रिक सरकार हमारी आई है, कृषि और किसान अग्रिम मोर्चे पर रखा जाए। उनकी बात भी नहीं सुनी गई और बहुत दिनों तक वो हमारे बीच भी नहीं रहे, और परिणाम क्या हुआ कि आजादी के बाद हिंदुस्तान का जो विराट पुरुष का रूप चाहिए था, उसके मस्तक के रूप में कृषि और किसान को दिखाई देना चाहिए था, उल्टा हुआ, शीर्षासन हुआ, कृषि और किसान की योजनाएं नीचे दब गई और जो नीचा का पैर था ऊपर चलाया। पूरे हिंदुस्तान के शरीर के भविष्य का निर्माण का शीर्षासन करा दिया गया। कृषि और किसान की चिंता कितनी की गई ये सबको पता है। सौभाग्य से लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने जय जवान जय किसान की बात की, लेकिन वो भी हमारे बीच ज्यादा दिन नहीं रहे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और दुनिया में देश में आबादी बढ़ रही थी, खेती के योग्य जमीन बढ़ने वाली नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। लेकिन वो भी सरकार 6 बरस के बाद हमारा दुर्भाग्य था चली गई। फिर उसके बाद 10 वर्षों तक जिन लोगों ने राज किया, देश के नेता हैं, नौजवान हैं, देश भर में घूमते हैं, उनको जौ की बाली और गेहूं की बाली में अंतर समझ में नहीं आता है, लेकिन किसान की बात करते हैं। उनको गन्ने के पेड़ में और अरहर के पेड़ में अंतर समझ में नहीं आता है और किसान की बात करते हैं। उनको शायद पता नहीं कि 7-8 में पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में ये बात सामने आ गई कि जो सॉयल हेल्थ है वो बीमार है, और हरित क्रांति जो देश में चली असंतुलित उर्वरकों के प्रयोग के कारण, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, आंध्र हो, तेलंगाना हो, लाखों एकड़ खेती के योग्य जमीन मर गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी पूरे दुनिया को कहा कि सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट की चिंता करो। क्या चिंता की? हमारे जब नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि पहला काम हमें करना है कि हमारी जो मिट्टी बीमार है, जो मर रही है, वो बीमार न पड़े। देखो इसके लिए 10 वर्ष में क्या हुआ। आपको आश्चर्य होगा कि सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट की चिंता, आज किसान की बात करते हैं, 10 वर्ष तक कहां थे? हमने आंकड़े देखे, मोदी सरकार के आने के पहले सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट पर मात्र 72 करोड़ रुपया पूरे देश में खर्चे किए गए। अब 72 करोड़ रुपया, इतना बड़ा देश, क्या ये किसान की चिंता थी? हमारी सरकार आई, मोदी जी ने कहा कि हिंदुस्तान की जो धरती है, मिट्टी है, वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, वो हमारी माता है,
और जब तक माता बीमार रहेगी उसके पुत्र जो किसान है देशवासी हैं कभी भी संपन्न नहीं हो सकते, कभी खुशहाल नहीं हो सकते। पता करो कितने पैसे लगेंगे। देश में 14 करोड़ किसान है जिनके पास जोत है, जमीन है, 568 करोड़ रुपये लगेंगे। 10 वर्षों में बड़े बड़े घोटाले हो गए, हजारों हजार करोड़, 568 करोड़ खर्चा करने की बात ध्यान में नहीं आई। आता भी क्यों? कृषि और किसान, गांव और गरीब, तो कोई लिख कर देता है तब बोलते हैं। भोगे नहीं है गांव की गरीबी को, चिंता नहीं की। देश सौभाग्यशाली है कि आज देश का जो प्रधानमंत्री है वो देश की गरीबी पर, किसानों के दुख दर्दों पर सुनकर नहीं बोलते, पढ़कर नहीं बोलते, कोई लिख कर देता है तब नहीं बोलते। पूरी बचपन और जवानी गांव में गुजारा है और कष्टों को भोगा है। उन्होंने कहा कि सबको सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाए, रुपये आवंटित किए गए। 18 महीने के अंदर 288 करोड़ रुपये राज्यों को सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए दिए गए। सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए किसी भी राज्य को एक पैसा भारत सरकार नहीं देती थी, इस सरकार ने 18 महीने के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा रुपये दिए। इस उड़ीसा के अंदर भी सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए 4 करोड़ रुपये दिए गए। और मुझे विश्वास है कि यहाँ की सरकार गांव के किसानों के खेत से मिट्टी लेकर, कार्ड बनाकर, लेबोरेटरी में जांच कर जरूर किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दे रही होगी। यदि नहीं दे रही होगी तो ये आपको विचार करना होगा, क्योंकि 4 करोड़ रुपये इनके लिए दिए गए हैं और कहा गया है कि आप खर्चा करो और जो पैसे की जरूरत होगी दिया जाएगा। कितना खर्चा किया है, कल हम दिन भर उसकी समीक्षा कर रहे थे, संतोष नहीं हुआ है। हमने सरकार से आग्रह किया है कि उसको तेज करिए। जो किसान की बात करते हैं, कहां थे? हिंदुस्तान के 60% जमीन को सिंचाई का पानी नहीं है, आबादी बढ़ रही है, खेती योग्य जमीन बढ़ने वाली नहीं है। हिंदुस्तान है, ये इटली नहीं है, रोम नहीं है। हम अभी रोम गए थे, उसकी आबादी कितनी है? आधी उड़ीसा के बराबर भी नहीं होगी। ये हिंदुस्तान है, 125 करोड़ लोग हैं, 250 करोड़ हाथ है। यदि हर हाथ को काम देना है तो हर खेत को पानी देना पड़ेगा। कहां थे, कहां थे, क्यों इसकी चिंता नहीं की? हमारे प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना बनाई है, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान बनाने के लिए राज्यों को कहा है। जितने पैसे की जरूरत होगी हम देंगे, प्लान बनाओ, भेजो। कल दिन भर हम यहां की सरकार की समीक्षा कर रहे थे, सरकार ने बताया है कि वो काम शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें तेज गति करने की जरूरत है। किसान भाइयों और बहनों, क्या हालत है जो छोटे छोटे किसान हैं? आपके यहां क्या स्थिति है? हम तो अपने गांव में पानी खरीद कर खेती करते हैं, पानी खरीदना पड़ता है, लागत बढ़ता है, मिट्टी को कितने खाद की जरूरत है, दवा की जरूरत है पता नहीं, अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, लागत बढ़ता है और मिट्टी भी बीमार पड़ती है। इसी प्रकार से मिट्टी की आयु बढ़े, जैविक खेती, परंपरागत कृषि विकास योजना, क्या इसके लिए राज्यों को पहले पैसा मिलता था? एक पैसा भी नहीं मिलता था। हमने इस देश के अंदर परंपरागत कृषि विकास की योजना चलाई, सभी राज्यों को पैसा दिया, 50-50 एकड़ का क्लस्टर बनाकर 20,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को देना, 10 करोड़ रुपया इस सरकार के लिए आवंटित किया, 8.5 करोड़ रुपया तो भेज दिया है। पता नहीं इस योजना की कैसी दशा इस देश में, इस राज्य में हो रही। मित्रों, आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर देश के अंदर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्यों चला? इसके लिए राज्यों को क्यों पैसा क्यों दिया जाता है? या जिन योजनाओं की मैंने चर्चा की, उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मैं कल समीक्षा कर रहा था और देखा कि पिछले वर्ष जब यह सरकार आई तो लगभग 87 करोड़ रुपए इस काम के लिए दिए गए। दलहन का, तिलहन का, चावल का, खेत में उत्पादकता बढ़े, किसानों को मदद करने के लिए पूरे पैसे उस वर्ष के भी खर्चा नहीं हुए और इस वर्ष भी 80 करोड़ के आवंटन में 53 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए हैं, लेकिन कल जो आंकड़े आए कि मात्र 16 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये कौन सी गति है? 37 करोड़ अभी खर्चा नहीं कर पाए, जो आया है उसमें 37 करोड़ खर्चा नहीं कर पाए। इसका रिपोर्ट जाएगा तो 27 करोड़ अब आपका जो आने वाला है वो भी आएगा। मुझको लगता है कि ये 37 करोड़ और 27 करोड़ जो आता यदि खर्च की रिपोर्ट ना जाएगी तो इस राज्य के किसानों के साथ भारी अन्याय होगा। किसान भाइयों और बहनों, सिर्फ खेती अनाज की नहीं, किसान को भी संपन्न बनाना है तो पशुधन का विकास। मैं कल आंकड़े देख रहा था, दुर्भाग्य है कि इस राज्य में जो 12 में जनगणना हुई है पशु धन की, उस जनगणना के मुताबिक इस राज्य में जो गो पशुधन है 6% की कमी आई है और भैंस में लगभग 40% की कमी आई है। बढ़ोतरी जरूर हुई है, कुक्कुट पालन में जरूर 17% की बढ़ोतरी हुई है और गधा में 28% की बढ़ोतरी है। गधा जो एक जाति अच्छा है, सरकार को मैं बधाई देता हूं, गधे के उत्पाद गधों की संख्या बढ़ी है, कुक्कुट की संख्या बढ़ी है, लेकिन गांव में जो किसान है उसके आर्थिक समृद्धि का आधार पशुधन है। अब एक किसान के घर पर एक गाय हो तो कभी भूखे नहीं मर सकता है, भैंस हो, दुधारू जानवर हो, लेकिन 30-30% जो कमी आ रही है, राज्य सरकार को इसकी चिंता करना चाहिए। मित्रों, मैं कल पढ़ रहा था, इस राज्य के एक प्रमुख व्यक्ति का बयान था कि यूपीए की सरकार ठीक थी। मैं 2-3 बातें आपको बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इस राज्य में सूखा आया था, इस राज्य में सूखा आया था 2003 में और 9-10 में। इन्होंने भारत की सरकार से दोनों समय मिलाकर 3,136 करोड़ रुपए की मांग की थी, 3,136 करोड़ की मांग की थी। उस समय की सरकार ने ये जो दोनों बार 2003 और 9-10 में मांग किया था 31,000 करोड़ तो दिया था 332 करोड़। हमारी सरकार आई है, हमारी सरकार में 15-16 में इन्होंने 2,200 करोड़ की मांग की है, हमारी सरकार ने 815 करोड़ का सैंक्शन किया है, 815 करोड़ का सैंक्शन किया है। राष्ट्रीय आपदा कोष से और राज्य आपदा कोष में भी पहले से पैसा मौजूद है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी होती है। मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से जो कहते हैं कि वो सरकार अच्छी थी, मुबारक हो आपको सरकार, यदि वो सरकार अच्छी थी तो 13-14 में केंद्रीय करों से इस राज्य को 15,000 करोड़ रुपया दिया गया था और मोदी सरकार ने इस 15-16 में केंद्रीय करों से 24,411 करोड़ रुपया दिया है। आप तय करिए कि कौन सरकार अच्छी है। इसी प्रकार से जो पंचायती राज है उसको 13-14 में 652 करोड़ रुपया मिला था और मोदी सरकार ने इस वर्ष 955 करोड़ रुपया दिया है। जो नगर निकाय है उनको 13-14 में 124 करोड़ रुपया मिला था और इस वर्ष 170 करोड़ रुपया मिला है। मित्रों, मेरी आपसे विनती होगी कि मोदी सरकार जो है गांव गरीब किसान के लिए समर्पित है। यदि गांव का विकास चाहते हैं, गरीब का विकास चाहते हैं, किसान का विकास चाहते हैं तो नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत बनाना पड़ेगा, राज्य में एक ऐसी व्यवस्था लागू करने पड़ेगी। आखिर मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर अभी हर खेत को पानी जा सकता है, हर घर और खेत के लिए बिजली जा सकता है, उत्पादकता बढ़ सकती है, तो क्या उड़ीसा में काम नहीं हो सकता? हो सकता है। अपने प्रिय प्रधानमंत्री जो गांव गरीब किसान को मजबूत बनाना चाहता है उसको मजबूत बनाइए, उड़ीसा का गांव भी मजबूत होगा, गरीब भी मजबूत होगा, किसान भी मजबूत होगा। इसी विनती के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमर केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह जी मो खाली गोटे अनुरोध करी भाई मानक जनसमुद्र ये सभा मंडप पलटी मु समस्त अनुरोध करी रास्ता अच्छी ए पाखे किसी जगह अच्छी ए पाखे।